भाई आज मैं हूँ करली ब्लॉगिंग के साथ और मुझे आज ब्लॉग बनाने की जरूरत नहीं है, सब अनबॉक्सिंग कर दिया हमारे पहाड़ी में। इस वहाँ पे कथा थी ना, बीच में कथा से हम वो लोग बैठे थे तो हम लोगों को वहाँ पे टाइम मिला तो हम आ गए हैं पौनपहाड़ी सर के घर पे, और पौनपहाड़ी घर के नीचे ही है तो अभी आपको मैं उनकी फैमिली से मिलाती हूँ, आ जाओ। सो गाइस ये है पहाड़ी बाकी उनकी पौनपहाड़ी की, अभी यहाँ पे वो नहीं है नीचे वाले मकान में, तो हम कल गए थे यहाँ पे, अब नीचे जा रहे हैं, नीचे वाले में चलते यहाँ से। वो गुड मॉर्निंग दगड़ियो, आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं यहाँ से, बोलते हो इस वाले यहाँ से नई ब्लॉग की नई शुरुआत। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, नर्वसनेस हो रही थी कल, वो थोड़ा बीमार सा लग रहे थे और बड़े सीरियस से लग रहे थे, अभी देखते हैं वो मजाक करते नहीं करते, थोड़ा बिजा रहे हम यहाँ पे। कुछ वीडियो में देखती थी, आज मैं यहाँ ही हूँ। माय गॉड, जाते हैं उनके घर। गाइस ये रहे उनके घर, और देखो पौनपहाड़ी जी के घर पे छत पे बंदर है, अभी आएंगे बाहर में ओह करके, मुझे कोई लग नहीं रहा, सब लोग खेत में काम में करने गए होंगे। ये देखो यहाँ पे वो बंदर, ये है रसोई, यहाँ पे खाना बनता है डेली। अरे अच्छा, मैं तो सोचा क्या कहते हैं तुम कथा में बैठे होगे करके, वहाँ नहीं बैठे थे हमारे चाचा उनकी, हमारे चाचा उनकी बैठे थे। अरे अच्छा, आप भी बैठो आए नहीं आप? अरे मैं तो इधर काम ही रह गया था, मेरी तबीयत भी हो रही है। हाँ आज आप थोड़ा तबीयत खराब लग रही है आपकी। अब अच्छा घर कहाँ हुआ आपका? ये चौसला। अरे इतनी चौसला की है? मतलब अभी गाँव आए, गाँव हुआ अभी, आजकल अभी रुद्रपुर से आए, रुद्रपुर में ही मकान बना लिया। हाँ वही बस गए हैं। अच्छा, छह सात पांच पूरा परिवार ही वही है फिर यहाँ कोई? हाँ पूरा, अभी वो चाचा ताऊ वो लोग हैं। अच्छा अच्छा, मम्मी पापा तो होंगे? हाँ मम्मी पापा वही हैं, साथ में ही हैं। अच्छा अभी तो कल ही आए फिर यहाँ? हाँ कल शाम को आए। अच्छा ये बहुत अच्छा भी है, बहुत अच्छा। अब लोग से मिलने की बहुत तमन्ना थी, मतलब तो वैसे लग भी थी रहा, मैं तो देख रही हूँ ऐसे सामने, मेरी मम्मी तो मतलब क्या ही बोलूँ, और हम तो आपका जब दिन का खाना होता है ना, सुबह एक बजे ब्लॉग आता है, हम सब लोग वेट करते हैं, फिर ऐसे खाना लगा के आपका टीवी में मोबाइल में ब्लॉग देख के खाते हैं सब चीज देखते, आपकी मम्मी को, आपकी मम्मी का खाना देखे तो मेरे मुँह में पानी आता है ऐसे करके, सब ऐसे देखते हैं। आज आज यही खा के जाना फिर। आपकी कथा है? हमारी सगे चाचा लोग की कथा। कहाँ? यहाँ भगवती मंदिर में? हाँ मंदिर। अच्छा अच्छा, और कल नैनांग देने भी आए थे ना। अच्छा, अभी तो रुकोगे भी कुछ समय यहाँ, कल परसों जाएंगे यहाँ से। अच्छा गुड़गांव? नहीं गुड़गांव नहीं, अभी एक महीने की छुट्टी। अच्छा वहाँ तुम्हारा क्वार्टर मिला? यही रास्ता तो नीचे वाला रास्ते से पैदल जाने वाले, इस रोड तो बाद में बनी है। बहुत हो रही होगी फिर आज, एक तो यहाँ भी ऐसी हो रहा है, धुआं की वजह से डेली आग लगा रहे हैं, आग लगा के पूरा आग लग रहा है। हम कह रहे अभी तो घर घर रोड आ गई, इस रोड अगर 15 साल पहले आ गया पलायन कम होता, जब रोड आ रही तब आगे वो मंदिर से उधर को हो गई, फिर डामर हो गया उसमें, मंदिर तक ही मंदिर तक ही। तुमको रोज मोबाइल में देखना, आज सावर देखना था, बहुत आदमी को लग रहा यहाँ यहाँ छू गाँव। अच्छा घर छा मंदिर में बिग बाजार भरने के लिए हमारे थोड़ा नहीं, वहाँ से लेने कुछ फ्रूट व्रूट लेंगे, भैया की दुकान में थे। बैठो बैठो ठीक है, आप कैसे? आपको रोज ब्लॉग में देखते हैं, फैन है हम आपके, मम्मी भी मतलब हर कोई आपको फैन देखता, और वो हम लोग पाठक को जानते हो, आप हल्द्वानी में रहते ना, आपकी वो मामी ये देवल जोड़, हाँ मेरी बुआ की बहू, हाँ उनका बगल पड़ोसी वो कह रहे
थे हम करके, मैंने कहा फोन डाल दीजिए आप, वो मामी करके उनके बगल में अंकित की मम्मी, हाँ हाँ उनपे हमारा मतलब वो आके बहू हुई, बगल मेरा मम्मी का घर बन रहा है। आप आओगे वहाँ पे बताना, पक्का आएंगे फिर। अब तो आप लोग को रोज फूस में देखते हैं ना, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। हम तो ऐसे ही हुए मेरे। नहीं नहीं हमारे तो सेलिब्रिटी हो जाते, कह रहे हैं आप सेलिब्रिटी है, हमारे लिए तो सेलिब्रिटी तो आप हुए। नहीं तो हमारे कैसी बात, जोश मिला बैठ। अब कोई कमाई नहीं पा रहा, पानी भी तो नहीं है, पानी उठा पाएगी दुकान में होना ले लो डिस्टर्ब क्या है। बहुत अच्छी आई वाले ब्लॉग में तो जिस दिन दोनों भाभियां मिली थी ना। हेलो सो गाइस, देखिए मैं हूँ पवन पहाड़ी के घर पे, एंड मुझे यकीन भी नहीं हो रहा, बाहर पे सारे खड़े हुए हैं, सारे यहाँ पे उनकी मम्मी पापा सारे, सो आई एम वेरी हैप्पी। और बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरे घर के हमारे रिश्तेदार होंगे, ऐसा नेचर है इन सबका, और मतलब जैसे ब्लॉग में देखते हैं ना आप, वैसे ही नेचर है, तो मतलब वेरी हैप्पी टू मीट देम। बहुत सुंदर लगता आप, हम कहते हैं मम्मी भी इतने स्मार्ट है, पापा भी इतने स्मार्ट है, कहते हैं तो देखो मम्मी देखो, मैं पवन पहाड़ी की मम्मी के साथ, और ये अंकल जी हमारे स्मार्ट बिल्कुल सीधे साधे। तो मैं आशीर्वाद ले लगता है गई हुआ पहले, अब ध्यान धरिया हो अब बहुत भल लगा था मुझे मिल की को छुआ करके भल लगा छोई डामा, तुम्हारे बुआरे खाने देगी ना पार लगू ऐसे मुँह में पार जरूर जरूर आमा। और आमा देखो गाइस अम्मा ऐसे कर दो, ऐसे कर दो फोन पहाड़ी के अम्मा का एग्जाम अब सुपरविजन बनाए रखते हुए, और बहुत अच्छा लगा अम्मा, अब अपना तबियत का ध्यान देना, ठीक अम्मा भैरव अरे अम्मा हमें तो हमारा सौभाग्य भाई तमु को देख बे, हाँ ठीक ठीक चलो अम्मा भैरव ये देखो गाइस जो बाथरूम बन रहा था, एंड ये है देखो किचन मेन, छोई रोटी यहीं पे बनती है, यहाँ पे से पराठे बनते हैं गरम गरम, मुंह में पानी आ जाता है। ये देखो ये पहाड़ी गीजर, पहाड़ी गीजर अपनी सेवा देते हुए रेस्ट दे रखा है। अच्छा ये देखो गाइस, ये बोल रहे थे ना परसों ये टमाटर की झाड़ी झाड़ हो रही है, टमाटर नहीं हो रहे, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे इनके डिम्पल रहती है, यहाँ पे एक वो करते हैं, ये गेहूँ की मम्मी ने, सो दिस इज सो नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से, और व्यू भी है आपके यहाँ से बढ़िया सा, क्या ठंडी ठंडी हवा पड़ी है, बस ये धुंध हो रही है आग की वजह से, बाकी सब है ठीक है। अभी बैठो हाँ, आप लोग बैठो 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 जरूर आना जी जी, फिर आएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू जी जी, बैठो फिर, आप लोग ध्यान रखना अपना, तो अपनी ताई जी के वहाँ पे हम भी जाते हुए ताई जी के वहाँ उनके। हम बहुत बड़े फैन हैं आपके, कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया, हाँ जी देखो आपको रोज ब्लॉग में देखने हम देखा, हाँ बहुत मजे होता मैं तू देख बे ना, बहुत अच्छा लगता आपको, आपने मिठाई दी थी ओवन के लिए पानी पियो, पानी नहीं नहीं जहाँ से नजरे रखे रहती है ताई जी है छेदों से, नहीं तो बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, आपके पास आपके पास आते हैं वो सारे, हाँ वही तो फैन है आपके हम। चीनी डाल के तू या काला नमक? चीनी डाल के, काला नमक, काला नमक दोनों। यार तुम यहाँ क्या करना आए हो, उनके वहाँ मिलना आए, अपना वहाँ कर रहे हैं पहाड़ में, ये तो तुम्हें अच्छा होता है, ये जो यहाँ से सुनते हैं सब लोग है, ये भी चेहरे यहाँ से सब दिखती है ताई जी, यहाँ से सुन दिया नजर बनाए रखती ताई। ये देखो गाइस यहाँ पे ये ताई जी का घर है, और देखो कितने सुंदर से बना रखी हो,
लकड़ी की गठी, वाओ। और ये खिड़किया, आप ही बना दो सारे, मैंने कहा आपको कंटेंट में ले लीजिए। यहीं पे आता आप बोलते हो ये लगाया है, लगाया है यहाँ पे, ये बोलते हो काली गाय यहाँ पे बधी रहती है ना यहाँ पे। मैंने एक बार आपके इसमें कमेंट भी किया था कि मुझे भी आपके जैसे ब्लॉग बनाने का मन करता है, 2 साल पहले आपने लाइक भी किया था। अच्छा, दिल देने को तैयार हूँ मैं, करा था तो लाइक भी करा था। अच्छा, तब भी मैं दिखाती मम्मी पवन पहाड़ी ने मेरा कमेंट लाइक करा है करके, फ्रॉम कौसानी फ्रॉम हल्द्वानी ऐसे डालते रहती हूँ। एक वो ले लेना आप कोई छोटा GoPro ले लेना। हाँ मैं सोच रही हूँ मोबाइल से ही, मोबाइल में। हाँ मैं आप एडिटिंग आप में सोचिए, आप तो मोबाइल से ही करते हैं। हाँ। मोबाइल ज्यादा इजी रहता है ना, कभी भी निकालो गिर गया से कॉस्टली है वही तो, इससे फिर जहाँ भी जाओ तो लोग ऐसे देखते हैं क्या कर रही है करके ना, फिर वो अजीब सा लगता है। हाँ अजीब सा भी लगता है, थोड़ा सा हैंडी रहता है। GoPro छोटा सा रहता है, कहीं भी घुमा दो घुमा दो। हाँ आप जब आपको GoPro भी मिला था ना, गिफ्ट मिला था आपको, वो भी देखा, वहाँ से भी देखा है मतलब। ये तो फिर कोई जैसे पिक्चर बना लिए शॉर्ट मूवी। हाँ शॉर्ट मूवी, इसका फोटो वोटो का बहुत शौक है। हाँ। से लिया था। सही है, मैंने फोटो ही खींची है इसलिए बहुत। हाँ उसी में द्वारा बढ़िया है। मैं चाहता हूँ फोटो। हाँ सो गाइस देखो मैं पवन पहाड़ी के साथ। तो गाइज आज मैं हूँ कर्ली ब्लॉगिंग के साथ और मुझे आज ब्लॉग बनाने की जरूरत नहीं है। सब अनबॉक्सिंग कर दिया हमारे पहाड़ी में, दुनिया की गिफ्ट की अनबॉक्सिंग मैं करता हूँ, इन्होंने हमारे घर की अनबॉक्सिंग कर दी है। तो जो भी लोग कर्ली ब्लॉगिंग चैनल को और मुझे अभी देख रहे हैं तो प्लीज गाइज इनके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप मिल गए ना मुझे, मतलब एक बार मेरा है था कि मतलब मिलना आपसे। मेरी मम्मी भी मतलब आपको जब बैठा बैठा के आ गया ब्लॉगर ऐसे देखती है, मतलब चलो अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो प्लीज सो मच, थैंक यू सो मच आपसे, मतलब आपकी फैमिली से लगा जैसे कि हमारे रिश्तेदार होंगे ऐसा लगा। यहाँ पे आके देखो ताई जी यहाँ पे मट्ठा वट्ठा लेके आए, तो गाय का मट्ठा भी लो। हाँ इनको मट्ठा बहुत पसंद है ना, मैं कहा ताई जी को परेशान कर दिया है यहाँ बड़ा, हम यहाँ इनसे मिलने आ रहे उधर। हाँ भी मेरा हल्द्वानी कौसान ले सुना है आपने। हाँ हाँ सब पहाड़ी भाई, मम्मी पापा। हाँ पहाड़ी भाई पहाड़ी। हाँ देसी जैसी लग रही है ना, लागे देश से। ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं हो, देसी वैसी वाली ये देश होनी तो मैं यार साड़ी में ऊँची ना, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। अच्छा। फिर मैं काश के लिए गई थी, उनको भी आप मट्ठा भी लाते हो हमेशा देखते हैं उनमें। कल भी आए थे ना। हाँ शाम आए थे। हाँ मैंने आपकी दुकान को दुकान पे चाली उसमें तो आग लगा दो, लेकिन बेकार कर दिया जंगल पूरा। गाइस ये देखिए हमें पवन पहाड़ी की ताई जी के साथ, यकीन नहीं हो रहा आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मट्ठा वट्ठा भी बहुत सारी चीजें पिलाई, यहीं पे पाके से बगल के गांव के ही हुए वैसे तो। और क्या, सब रिश्तेदारी हुए सब अपने ही ठहरे, आते रहना। हाँ जी 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 जी, ऐसे मुलाकात करते रहना। आप बैठो भी, अपना ध्यान रखना, खाना आना खाओ, आपका भी तो टाइम हो रहा है खाना। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये सीधा आपको रोटी में पहुंचाएगा ये रास्ता। ओके हां ये सीधा गया हुआ है। हां ऊपर को सीधे। चलो ठीक है फिर। ठीक है घर वाले हो तो ना करा बात, सीधे तो पाठे को थी, सीधे रोटी में दहा। ठीक है बैठो भैया। हां यहां हो आते रहे आप, आते रहेंगे बैठो। हां मंदिर में अब कथा के लिए चलते हैं गाइस। हम फाइनली जाते हुए पवन पहाड़ी भैया के घर से, और ये यहाँ पे घर है उनका, ये ऊपर पहाड़ी वाखली है, ऊपर ताई जी का घर है इधर। तो हम सबसे मिले, सारे लोग से मिले, विनोद भैया से भी मिले, वो थोड़ा नहा रहे थे, एंड
उनकी मम्मी, उनकी अम्मा, मतलब जो भी दादी अम्मा और उनके पापा, ताई जी, बहुत अच्छे लोग. लाइक ना मतलब आपको लगेगा कि हम एक ही हैं बिल्कुल. तो ऐसे इतना ज़्यादा उनका था अच्छा जस्चर है, बिल्कुल बैठो. उन्होंने हमें पानी वानी पिलाया, जूस वूस पिलाया, उन्होंने भी मट्ठा वट्ठा पिलाया. हाँ तो मैं तो बहुत खुश हूँ. और ये देखो यही जगह, यहाँ से गुड मॉर्निंग द गिडियो आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ से शुरू. यही जगह है तो यहाँ से देखो ये पवन पहाड़ी जी अपने यहाँ पे रहते हैं. इतनी सुंदर जगह है यहाँ पे भी, और अलग अलग फ्रूट्स के पेड़ भी है. तो दिस इज़ सो नाइस टू सी हिम एंड हिज फैमिली, वेरी हम्बल पीपल. सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड आपको लगा होगा मैं पवन पहाड़ी सर के लिए ये नहीं कि मतलब व्यूज़ के लिए आई. देखो व्यूज़ व्यूज़ तो साइड में है, लेकिन एक ड्रीम होता है ना, जैसे मैं यूट्यूबर और मैं उनको फॉलो करती हूँ तो मेरा है कि मैं सबसे मिलूँ. और ये तो हमारे पहाड़ के तो इनसे तो अलग ही प्रेम है, बिकॉज इनका रहना सहना सब अपनी जगह है और अपना उत्तराखंड है. तो ही इज़ लाइक आई फील वेरी हैप्पी टूडे, आई एम लाइक सेटिस्फाई कि यार मैं इनसे मिल गई. सो लोग मेरे को तो यकीन भी था ऐसा भी करेंगे, लाइक वो अपने ब्लॉग में लेंगे, उन्होंने अपने ब्लॉग में भी लिया तो मैं उनके ब्लॉग में भी आऊँगी कल, वहाँ पर भी देखना. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू गाइस लाइक माई वीडियो प्लीज हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन बाय. बहुत अच्छा लगा. अच्छा हाँ मैं तो मतलब कब से देखती हूँ तो मेरे को तो मतलब मेरी तो सेलिब्रिटी हो रही है. आगे ये पुण्य नाम है हमारे कथा में तो होना चाहिए. क्या इनको लिफ्ट दिया रे वो उनका मजनू टीशेदा नहीं आया. मैं वो अब यहाँ से छठ पे टीशी निकाल के ले गया मैं जबलपुर. हाँ को बुला रहे हैं उनको यार. ठीक है फिर दूसरा आदमी डिटेल किया उनको यार तो मिल जाऊँ मैं सीनियर बड़ा. चाइना का वार में भर्ती हो गई हूँ. अच्छा 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 चाइना वार में भर्ती हो गई. चाइना ने तो लिया मेरे उसको, मैं तो उसका गुना का था, नहीं तो मैं कहा उसका भर्ती. नाम क्या है बाबू का? अनुराम. मेरा बेटा टू कुमाऊ. मेरा बेटा रिटायर हो गया. हम पहुँच चुके हैं पहाड़ी के घर से, अब मंदिर में चलते हैं कथा में.